हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सितिया। हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन T.S.Grewal की बुक से एग्जांपल्स। हमने पहले पीछे से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियोस ऑल ओवर बना चुके हैं, अब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम एग्जांपल नंबर 6 करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई चीज़ कब माइनस करनी है और कब कौन सी चीज़ प्लस करनी है। इसमें मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स के दी गिवन है आपको 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। 24 का ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये लॉस दिया हुआ है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है 1 अप्रैल 2023 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2023 ए मशीन वॉज डैमेज एंड 20,000 वॉज इनकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये जो हमें एडजस्टमेंट दी थी नीचे क्वेश्चन के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको अब सबसे पहले एवरेज मेथड यूज़ करना है, सो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं एडजस्टमेंट को सोल्व करके, जिस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप गुडविल निकालोगे, किसी भी ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी तो आपको माइनस कौन सी चीज़ करनी होती है, जो आपकी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, और ऐड कौन सा करना होता है, जो नॉर्मल इनकम्स होती हैं। बट अगर कहीं पर एबनॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं तो वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉर्मल इनकम्स लेनी होती है, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। बट अगर अब एबनॉर्मल आ जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। हमें एबनॉर्मल एक्सपेंसेस अगर हम कर देते हैं, वो आप माइनस कर देते हो, तो उसको वापस प्लस कर देते हो। बस आपको एक चीज़ समझनी है, ये एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूजिंग होती है। मैं आपको समझा रही हूँ, क्लियर करूँगी डाउट आपका। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन से ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आपको जो ईयर दिया है ये 31 मार्च 2020, मतलब एंडिंग में सारे जो ईयर हैं ये 31 मार्च तक की जो भी चीज़ें यहाँ तक आती हैं। उसके बाद अगर मार्च के बाद अगर कोई आता है और सेम ईयर होता है, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाती है। सबसे पहले आपको उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2023 वो कौन सा ईयर होगा। ये क्या है, 2021 बच्चे क्या मिस्टेक करके आएंगे, ज़्यादातर 23 देख लेंगे और इस वाले ईयर में एडजस्टमेंट कर देंगे। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 31 मार्च पे ये जो चीज़ है, ये 31 मार्च को ख़त्म हो रही है। यहाँ पर इस ईयर में क्या आएगा, 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन आएंगी। 1 अप्रैल क्या होगा, उससे नेक्स्ट वाला डे होगा। तो 1 अप्रैल 2023 की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो इस वाले ईयर में आएगी, 2024 में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे 23 देख के इसमें कराएंगे, बट नहीं, फर्स्ट ये तो 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल तो इसके जस्ट बाद शुरू होगा, तो इस वाले ईयर में एडजस्टमेंट आएगी। सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि इस वाले ईयर में ट्रांजेक्शन होगी। अब क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2023 5 साइकिल्स परचेज। आपने 5 साइकिल खरीद ली बिजनेस में। अब एक बात बताओ, साइकिल एबनॉर्मल और नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं। नॉर्मल एक्सपेंसेस होगा जो रेगुलर नेचर में होगा। आप अपने ऊपर अपने घर में भी अप्लाई करके इसको गुडविल वैल्यूएशन में आप यूज़ कर सकते हो। साइकिल आप रोज़ खरीदते हो बिजनेस में, नहीं खरीदते हो। अपने घर में खरीदते हो साइकिल, नहीं खरीदते हो। तो इसका मतलब जब साइकिल खरीदी है तो ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं था, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं था, तो इसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर चुके हो। ये हमारा एबनॉर्मल समझ लोगे आप, कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, ये एबनॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं था, हमने इसको माइनस कर चुके हैं। तो जस्ट इसको इसी वाले ईयर में आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो हम यहाँ पर इस 20,000 को क्या करेंगे, प्लस कर दोगे। अब एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट आएगी एसेट खरीदने वाली और उसके साथ डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन होगी, ये ध्यान रखो, पहली वाली चीज़ अगर आपकी प्लस हो रही है, पहला अगर आपको पता चल गया कि ये प्लस होना है, तो बस नेक्स्ट वाला जो डेप्रिसिएशन का केस होगा
वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती है जो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में मैं कराऊंगी, अगर पहली चीज़ माइनस होती है तो नेक्स्ट वाला डेप्रिसिएशन का केस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला हमने क्या समझा कि पहला प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आप ये रोज़ रोज़ साइकिल नहीं खरीदोगे तो इसलिए ये माइनस नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये प्लस है तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का केस है, तो नेक्स्ट वाला इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली माइनस होगा। 25% पर एनम है और आपका फर्स्ट अप्रैल, तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 के ऊपर 25%। इसको कट करोगे तो 5,000 ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक और एडजस्टमेंट, ये वाली क्लियर हो गई। नेक्स्ट 15 अक्टूबर 2023 भी कहाँ आएगा, 31 मार्च के बाद आएगा, मार्च के बाद अक्टूबर आता है, तो ये भी इसी ईयर में एडजस्टमेंट है। 15 अक्टूबर 2023 एक मशीन डैमेज हो गई है, डैमेज का मतलब एक्सीडेंट में डैमेज हुई है, जैसे भी हुई, आग लग गई है, कुछ भी, तो ये जो होता है ये क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। क्यों, डैमेज हो जाना जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वो एबनॉर्मल होता है। तो आप इसको भी क्या कर चुके थे, माइनस कर चुके थे 20,000 को, जो कि एबनॉर्मल, हमें तो नॉर्मल एक्सपेंसेस, देखो मशीन डैमेज होना ये आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये एबनॉर्मल होता है, तो इसको आपने माइनस नहीं करना था, तो इसलिए इसको वापस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बस बाकी किसी भी ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको ऐसे कर दोगे। ये आपको एग्जांपल में करा के तो दिखाया हुआ है बुक के अंदर, ये नहीं बताया कि ये कैसे कैसे सॉल्व होके यहाँ पर अमाउंट आएगा। बाकी अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 30 ये एज इट इज़ आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 70,000, 1 लाख, 1 लाख 40। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं ये भी सोल्व करके दिखा रही हूँ, कुछ बच्चों को ये भी डिफ़िकल्टी होती है सोल्व करने में। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है, तो ये -120। क्लियर है? अब ये +20 है, ये भी +20 है, तो 20-20 दोनों क्या हुए, +40 हो गए। इसमें +40 कर दो तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 80,000। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन बिगर नंबर का लगता है, बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस का है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब क्या बचा सोल्व करने के लिए, -5। अब फिर से माइनस कर दोगे इसमें 5, अब दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, बट साइन माइनस का ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -85,000। क्लियर है? अब आप इसको टोटल करोगे, ये सारे पॉजिटिव हैं, इन सबको प्लस कर दोगे और इसमें से माइनस कर दोगे, तो आपका जो टोटल आ रहा है वो 2,55,000 आ रहा है। ये मेरा स्टेप वन क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप स्टेप वन हमने कर लिया, अब स्टेप टू में आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब हम स्टेप टू, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने टोटल प्रॉफिट्स निकाले ये नॉर्मल ये लिखोगे और जितने ईयर्स के हैं 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, 51,000। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या होगी, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इन्होंने बोला था जब हमने क्वेश्चन रीड किया था 4 ईयर परचेज, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू लैख 4,000 इसका आंसर आया। मेन हमने जो इस क्वेश्चन कराने का जो मेरा मोटिव था, आपको ये वाली एडजस्टमेंट समझाना था जो कि बच्चों को समझ नहीं आती है। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ माइनस होनी चाहिए या प्लस होनी, जब भी डिप्रिसिएशन का केस आएगा आपको यही समझना है कि पहली चीज़ आपको देखनी है, अगर एबनॉर्मल है तो वो माइनस नहीं होना चाहिए था, तो उसको प्लस कर दोगे, बस पहला प्लस तो नेक्स्ट वाला डिप्रिसिएशन का केस अपोजिट हो जाता है। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है।